वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है टशांत अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस फंडी न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर निकल के आती है दोस्तों वो है कि जो कोटक बैंक है दोस्तों वो जो मर्जर कर रही है फेडरल बैंक के साथ। दोस्तों फेडरल बैंक के जो शेयर है आज 52 वीक को दोस्तों हाई को जो टच करें 129.75 रुपीज़ के जो पहुंच चुके हैं। दोस्तों इस एग्रीमेंट से, इस मर्जर से दोनों बैंक को जो फायदा होगा और दोनों के शेयर में दोस्तों जो हमको फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है बाइनेंस की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जितने भी दोस्तों जो कॉइन है यूएसडीसी, यूएसडीपी, टीयूएसडी, जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं इनको दोस्तों जो है कंपनी जो है अपने सिस्टम से रिमूव करके अपने जो खुद का उनका स्टेबल कॉइन है बीयूएसडी, बाइनेंस, यूएसडी, जितने भी कॉइन दोस्तों खुद का कॉइन जो है इंप्रूव करेगी दोस्तों उसको, मतलब जितने भी जो ट्रेडिंग होगी दोस्तों वो खुद की बीयूएसडी से करेगी, जिससे क्या होगा दोस्तों खुद की ब्लॉकचेन यूज होगी दोस्तों और जो इंप्रूव कर पाएंगे लिक्विडिटी को और कैपिटल एफिशिएंसी भी बढ़ पाएगी और दोस्तों बाइनेंस जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा पाएगा। तो जितने भी यूएसडी में जो पेयर्स में आप जो भी कुछ खरीदते हो क्रिप्टो करेंसी इथेरियम वगैरह बिटकॉइन वगैरह, तो दोस्तों जो आपको बीयूएसडी से इसको परचेस या सेल करना होगा। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज की आईपीओ की तरफ से। दोस्तों उनका जो आईपीओ है लिस्ट हो चुका है दोस्तों, 326 रुपए की उनकी इशू प्राइस थी, लेकिन दोस्तों आज जब उनको आईपीओ जो लिस्ट हुआ दोस्तों मार्केट में तो 508 रुपए पे हुआ दोस्तों, यानी कि 56% प्रीमियम के साथ जो है उनका आईपीओ लिस्ट हुआ है। बीएससी और एनएससी दोस्तों जो है आज इंटर डे में 550 रुपए को भी टच कर चुका है। अगर दोस्तों आपने ड्रीम फॉक्स सर्विसेज में पैसा लगाया होगा तो आप दोस्तों जो है पैसा अच्छी तरह से ग्रो किया होगा अगर आपको अलॉटमेंट हुई होगी तो। अगर मैंने लगाया तो जरूर आपके कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए हमें। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों इंडिया जो एक्सटर्नल डेप्ट है दोस्तों जो मार्च 2022 के हिसाब से बात करें तो 8.2% गिरा है दोस्तों, यानी कि 620 बिलियन डॉलर के हिसाब से हो चुका है। इसमें दोस्तों अगर मेजोरिटी की बात करें 53% तो यूएस डॉलर्स में और बाकी 31% दोस्तों हम बात करें तो इंडियन रुपीज़ में। अगर दोस्तों हम बात करें जो एक्सटर्नल डेप्ट का जो रेशियो दोस्तों फॉरन करेंसी रिजर्व के साथ दोस्तों गिरा है 97.8% पर आ चुका है, यानी दोस्तों जो अगर हमने दोस्तों 100 रुपये का बाहर से लोन लिया कंट्री से तो दोस्तों जो फॉरन करेंसी रिजर्व हमारे पास पड़े हैं वो अभी 97.8% है, यानी कि अभी 2-3 रुपये दोस्तों जो गैप है 2-3% का गैप है दोस्तों हमको फुलफिल करना है। दोस्तों हमको जो है बाहर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा जैसे कि बाकी करेंसी जो है यहां पर आए दोस्तों और जो हमारा जो रेशियो दोस्तों वो मेंटेन हो सके। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों कि जुबिलेंट फूड ब्रांड्स की दोस्तों नई एमडी सीईओ को अनाउंस कर दिया गया है। समीर खेतरपाल दोस्तों उनके नई एमडी सीईओ होने वाले हैं। इसमें दोस्तों उनके जो है 6.5 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो काम करके आए यहाँ पर दोस्तों अमेजन में और दोस्तों उन्होंने जो 25 साल मैनेजमेंट में काम किया दोस्तों और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी काम किया है दोस्तों, काफ़ी जो है नया एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। और दोस्तों जो जुबिलेंट फूड ब्रांड्स दोस्तों वही कंपनी है जो दोस्तों डोमिनोज के जो ब्रांड है उसको ओन करती है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है ओयो की तरफ से। दोस्तों उन्होंने अभी कहा है कि हम जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं साउथ इंडिया में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी उनके जो है करंटली 1350 होटल्स हैं साउथ इंडिया में, लेकिन दोस्तों वो चाहते हैं कि 500 से 700 होटल जो है एक्सपेंड हो हर हफ्ते। दोस्तों वो 35 होटल्स को और टाइप कर रहे हैं जिससे दोस्तों उनके जो बिजनेस और ज़्यादा बढ़ सके। दोस्तों ओयो के जो है अभी आईपीओ आने वाला था, लेकिन दोस्तों मार्केट की कंडीशन की वजह से ओयो का जो आईपीओ है वो डिले हो चुका है। अगर दोस्तों ओयो को आईपीओ आएगा तो दोस्तों क्या आप उसमें पैसा लगाना चाहोगे या नहीं लगाना चाहोगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की जो बिजनेस फंडिंग न्यूज है वही खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ऐसी डेली बिजनेस फंडिंग की न्यूज चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं दोस्तों 2-3 मिनट के अंदर जो आपको जो टॉप मोस्ट न्यूज होती है बिजनेस की वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।